बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का जो सीरीज हुई है, जो वाइट वॉश किया है पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को, ठीक है। और उसके अलावा मोहसिन खान का बयान हम डिस्कस करेंगे, इसमें आप इसको देखते जाइएगा। और इसके बाद हम टेस्ट टीम का भी बारे में डिस्कस करेंगे कि फादर को कहाँ पर ये देख रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट, और बाकी सारे सेलेक्टर्स वगैरह भी। ले जी, सबसे पहले वाइट वॉश के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान ने वाइट वॉश कर दिया और नंबर वन टीम तो ऑलरेडी है, और ज़्यादा अपनी पोजीशन को मजबूत कर लिया, क्या कहेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है। न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से बहुत अच्छी थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़रा हो सकता है वो भी एक आधा मैच जीत जाए, और वो पहले दो मैचेस में बहुत क्लोज आए थे। पहला मैच और दो बॉल पहले आ रहे हैं वो भी हफीज़ की मदद से हम जीत गए पहला मैच, और दूसरा मैच वो जो दो रन से हारे हैं वो शाहीन ने 17 रन चाहिए थे और 15 खा गया था, 14 खा गया था। खैर शाहीन ना आहिस्ता आहिस्ता लड़का सीखेगा, उसको आगे इन्होंने मैक्सवेल के आगे डाल दिया था लास्ट ओवर में। खैर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने। अब देखिए ना, पाकिस्तानी बॉलिंग पे बात करें जो 31 दफा बॉल आउट किए तमाम की, हाँ ये बहुत बड़ा है पाकिस्तान के एडवांटेज है। किसी भी बैटिंग लाइनअप को पाकिस्तान ऑल आउट करता है। T20 क्रिकेट में ऑल आउट करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 20 ओवर होते हैं और हर टीम में आला आला पाया के जो टॉप हिटर हैं वो होते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पाकिस्तान कंटिन्यूअसली विकेटें ले रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान नंबर वन पे है। बिल्कुल, अगर जो टीम विकेटें नहीं लेती वो लूज करती है। हाँ, विकेटें जब होती है ना तो दूसरी टीम का मोमेंटम नहीं बन पाता, प्लेयर सेटल नहीं होगा तो उसकी हिट भी नहीं सही लगेगी। और शदाब खान का इसमें बड़ा किरदार है, वो लगातार आउट करता आ रहा है। और इमाद वसीम, उसका अलग है, कोई इतना नाम नहीं लेता। वो पहले भी जब आया था वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी, जब जितनी भी उसने T20 क्रिकेट खेली है ना, उसकी इकोनॉमी 5 के राउंड अबाउट है, और वो वर्ल्ड में उसकी इकोनॉमी पहले 5 नंबर पे आती है। ठीक हो गया। पाकिस्तान ने 11 टाइम्स चेज भी किया। हाँ जी, और मुसलसल चेज किया है कि सरफराज की कप्तानी में 11 मरतबा चेज मिला पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने 11 मरतबा किया, और ये किसी भी टीम ने अभी तक ऐसा नहीं किया कि लगातार 11 मैचेस चेज किए हैं। चाहे सरफराज कुछ ना करे, सरफराज करे ना करे, टीम तो कर रही है ना, लेकिन सरफराज की यही बड़ी बात है, वो पीछे से रोला डाली रखता है, भाई करो ये करो वो करो वो करो। अच्छा, बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज हमारे ये बड़ी मजेदार बात है, वो वाकई वो बाबर आजम के बहुत बड़े फैन है। बाबर आजम ने जो रिकॉर्ड बना दिया ना पाकिस्तानियों के लिए, अब एक मौका मिल गया। अब विराट कोहली ने दोबारा तो आना नहीं, पहले मैच खेले और 1000 रन का बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़े, उसका अब टूट गया। अब कोई और आ जाएगा वो बाबर आजम का तोड़ देगा रिकॉर्ड, तो वो कोई बात नहीं। बाबर आजम का नाम अब विराट कोहली से ऊपर ही रहना है ये 1000 रन में। और वो वनडे में तो उसने फखर जमान ने 1000 रन कर, हाँ वनडे में तो हमने जिम्बाब्वे उसके आगे पकड़ा दी, 5 मैचों में उसने कुछ 600 स्कोर मार दिया यार, वो तो ज्यादती है ना, नहीं वो ज्यादती है कि नहीं? इंडिया भी खेलते हैं ऐसी टीमों के साथ, ये नहीं बांग्लादेश के साथ उन्होंने कितने 100 करवाए डुल करके, 10-12 100 डुल करके, उसके खिलाफ है बांग्लादेश के खिलाफ, तो फिर भी 100 सेंचुरी के साथ वो नाम तो है। ये बात तो है, वो रिकॉर्ड तो लिखा जाता है, रिकॉर्ड तो वो तेंदुलकर की जो 100वीं सेंचुरी है वो भी बांग्लादेश के खिलाफ है, रिकॉर्ड लिखे जाते हैं वो, चाहे जो सी मर्जी टीम हो। अब ये देखिए, हाँ अब हमने वेस्ट इंडीज को घर में बुलाया, उनकी जो मर्जी टीम आई, जैसन मोहम्मद फ्लेचर फ्लूचर जो मर्जी आए, हमने उनको घर में भी वाइट वॉश किया, हमने उनके घर में भी जाके वाइट वॉश किया। अब इंडिया देख लें, घर में ही मैच फंसा के बैठ जाता है, टाई हो जाता है, कभी वो जीत भी जाते हैं, तो फर्क तो पड़ता है। ऐसी है। उसके बाद जी शदाब के मुसलसल 2018 में 28 विकेटें ले, हाँ शदाब का ये रिकॉर्ड लगा है कि कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं, और बुमराह ने भी 28 ली हुई हैं 2016 वाले ईयर में, और उसने उसका रिकॉर्ड बराबर किया। इसका इसलिए ऊपर आ रहा है क्योंकि इसने 17 मैचेस में की हैं, उसने 19 मैचेस में की थी। और शदाब ये एशिया कप में ना बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आया, और एशिया कप को छोड़ के उससे पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस करता रहा और अब भी कर रहा है। बस ये थोड़ा ना ये लड़के ये यशियों में पड़ जाते हैं ना, स्टाइल भी बालों के बना लिए, उसमें फिर प्रैक्टिस वगैरह करते नहीं, अच्छे चित्र पढ़ते हैं, वो देखे नहीं थे शेखर धवन और रोहित तो आउट ही नहीं थे वो एशिया कप में मारे थे। अब देखे ना सनली को एडिडास ने जो स्पॉन्सरशिप दे दी, हाँ ये वैसे मेरे हिसाब से बड़ा गलत किया है। अब ये देखना इसके स्टाइल नहीं मान, उन्होंने इसने डेली कोई ना कोई पोस्ट लगा दिया करनी है, ये आ गया मुझे वो ये मिल गया ये मिल गया, ये पाकिस्तानी लड़कों को ये चीजें रास नहीं लगता भी नहीं है। जो ना डेप्थ बॉलर डेप्थ लाइनअप में बॉलिंग करे, ये कोई 25 से लेके 35 तक बॉलर है, चैंपियंस ट्रॉफी तक टॉप क्लास बॉलर था, मैं कहता हूँ बैट्समैन को हिलने नहीं देता था, अभी भी है मेहनत नहीं कर रहा।
अब ये स्टार बन गया ना, स्पॉन्सरशिप मिलनी शुरू हो गई है, बस वो दिमाग पर चढ़ ये गया। ना वो वाली शर्जील खान वाली स्पॉन्सरशिप मिले मुझे वो अहमद शहजाद वाला हिसाब लग रहा है भाई, पैसे आ रहे हैं ठीक है, नहीं क्या वो तो कर नहीं, रहे हैं। वो नहीं बर्दाश्त करेगा, सरफराज नहीं बर्दाश्त विराट कोहली को स्पॉन्सरशिप मिलती है, उसको 3,000 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप मिली थी नाइकी की तरफ से, और इसको मिले होगी कोई 5-10 करोड़, इससे ज्यादा नहीं मिली, उन्हें पता ये गरीब है, इतने में खुश हो जाते हैं। लेकिन बात ये आ जाती है कि सर पे ना चढ़ाएं, और पीसीबी को भी चाहिए कि लड़कों का ना तवज्जा रखें, किधर जाते हैं, कौन सी पार्टीज में जाते हैं। वो उमर अकमल वाला साहब ना हो के वीडियो लीक हो जाए, वो डांस पार्टी ये वो, अच्छा खैर वो उमर अकमल वैसे टैलेंट था, अभी वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, देखते हैं शायद वो आ ही जाए क्रिकेट में दोबारा। आना चाहिए वैसे T20 क्रिकेट में आना चाहिए। मोहसिन खान दिमाग से पैदल है, अब देखें वो टीम में भी नहीं था ना तो तब भी मिकी आर्थर को गालियां देता था जी, वो गधा है, उसको पता ही नहीं है टीम कौन सी खिलानी है। मोहसिन खान ना वैसे वो जिस वो अभी तक उसमें वो ही नशा है, जी मैंने इंग्लैंड को ना 3-0 किया वो जब वो यूएई में, नंबर बस यही एक चीज है ना रोला, वो भाई तूने ग्राउंड में जाके खेला था, वो तो सईद अजमल का कारनामा था, और वो अब्दुल रहमान का, वो जिन्होंने 150 स्कोर भी बचा लिया था, 170 बिल्कुल। हाँ कोच का इतना कोई अमल दखल नहीं होता, ये मिकी आर्थर भी ऐसे ही करता है, जब टीम जीतती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाता है, जी मैंने बहुत लड़कों को मोटिवेट किया है कि इस टीम को हम हरा सकते हैं, और जब टीम हारती है सरफराज को आगे डाल देता है, चल भाई अब निबड़ इन मीडिया वालों से, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अच्छा टेस्ट टीम में आप फवाद आलम को देख रहे हैं, फवाद आलम कैसे टीम में आ सकता है जब उसको ए टीम में सिलेक्ट नहीं करते, ये इंजमाम का कोई उससे मेरा जाती क्लैश है, वो दो चार यार उसको पिनिए खिलाए, दो चार उसको पराठे खिला दे, लस्सी अभी भी आए, 32 साल उसके आन आदमी है, उसको कुछ खिलाया हाँ, ये बात है घर में कोई पार्टी वगैरह कराए वाव रहे आज की तरह, तो कोई सिलेक्शन में बात बन सकती है। अब देखें अब उसकी 32 साल उम्र होगी अब, और एक और बात मैं आपको बताऊँ, परसों सलमान भट्ट भी और शर्जील खान भी पीसीबी चेयरमैन से मिले हैं, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं है जितनी फवाद आलम की है, कि जी हमारी सिलेक्शन वगैरह के लिए ना आप कहें कि जी हमें भी सिलेक्शन के लिए कंसिडर करें। अब उसकी 32 साल उम्र है फवाद आलम की, अगर उसको अभी भी नहीं ना सिलेक्ट करते, 1-2 साल है उसकी और क्रिकेट, फिर पता वो क्या करे, सलमान भट्ट और शर्जील वाले काम करे, कोई बड़ी सी डील बॉक्स पकड़े, नाम तो वैसे भी उसका आ नहीं रहा, खैर वो क्या कहते हैं बदनाम जो हुए तो क्या नाम ना होगा, नाम तो फिर हो जाएगा ना, फिर नहीं उसके साथ बाकी ज्यादती कर बहुत ज्यादती कर रहे हैं, और ये सारा इंतजाम से पूछो नहीं है जितना भी है, क्या कल को जब ये इंतजाम घर में बैठ जाएगा फिर बाद में काम करेगा, नहीं मामूला के लिए रास्ता साफ नहीं कर दिया अजहर अली बेचारे को वनडे क्रिकेट से रिटायर करा के, वर्ल्ड कप के लिए अजहर अली इंग्लैंड की कंडीशन में बेहतरीन बैट्समैन था ओपनर, इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा चल भाई तेरा तो अब हमने कोई सिलेक्शन के लिए कंसिडर करना नहीं, तू ऐसे ही बैठा हुआ है, तू बस अब जेन में बना ले कि टेस्ट क्रिकेट खेलनी है बस, हालांकि वो वनडे क्रिकेट का अच्छा प्लेयर था, बस टैलेंट की कदर कोई नहीं है बस यहाँ पे। नहीं वो तो उमर अकमल जैसे भी बेचारे यहाँ रुल रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अहमद शहजाद, उमर अकमल, आसिम कमाल, बड़े लड़के इन्होंने जाया किए हैं। आसिम कमाल का तो इशू वो और था, वो कह रहा था मैंने उमरे पे जाना है, कहते इधर आओ ये करो वो, कहते मैंने उधर जाना, वो मुझे मुझे नमाज का टाइम नहीं मिल रहा, मेरा रोजा है मैंने नहीं खेलना, वो यूसुफ का भी यही मसला बताते हैं, यूसुफ का भी यही लास्ट में ना यही मसला आ गया था, तो खैर नहीं यूनस खान भी तो रोजों में खेलता रहा। हाँ यूनस खान रोजे रख के खेलता रहा, यूनस तो 200 मारता रहा, और यूनस खान देखें अपने धड़ल्ले के पे खेलता रहा, वो मीडिया पे आ जाता था जब उसके साथ थोड़ी बहुत ये अंदर करते थे ना, जब उसे जबरदस्ती कहते थे भाई तुम्हें इस सीरीज हमने नहीं खिलाना, वो आ जाता था और भाई मुझे क्यों नहीं खिलाना, मेरे इतने रन है, ये है वो है, वो बड़ा चलता है उसका, कि जी क्या मैं अपने आप को गोली मार लूं, जी हां सर, तो